हेलो बच्चों लेट्स रीड द द क्वेश्चन। क्वेश्चन सो हियर इज़, इज़ अ अ डिस्क रोलिंग विदाउट ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटीज ऑफ पॉइंट पी क्यू एंड सी देन ओके तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारे पास एक डिस्क है जो कि रोल कर रहा है विदाउट स्लीपिंग थ्री पॉइंट सी इज द सेंटर एंड पी एंड क्यू आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर हमें क्या बताना है दैलोसिटीज का रिलेशन बताना है कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी होता है सॉरी तो हमारा जो वेल्यूसिटी होता है वी इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा ओके इट मीन्स आर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट विद द एंगुलर वेलिसिटी ओके सो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जैसे कि मान लो हमारे पास ये एक डिस्क हो गया ओके okay. ये हमारे पास एक डिस्क है और सॉरी यह हमारे पास एक डिस्क है और वो रोल कर रहा है कितने से ओमेगा से ओमेगा से रोल कर रहा है और ये वाला पॉइंट सी है ये जो पॉइंट सी है ये जो ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा वी सी ओ एम ओके और यहाँ ये पॉइंट सेंटर में है तो वो सेंटर तो रोल नहीं कर रहा होगा ना सेंटर तो एक, एक एक लाइन पे चल रहा होगा तो इसका सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी वी सी ओ एम ही रहेगा ओके okay. अगर मैं यहाँ पे देखूँ अगर मैं यहाँ पे यहां पे देखो ये पॉइंट Q है ओके okay. ये पॉइंट Q है तो हम आ, इधर इसका इसका वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ओमेगा तो ये किस डिरेक्शन में आएगा तो हमारा जो आर क्रॉस ओमेगा होगा ओके okay. वो किस डिरेक्शन में ये Q Q पॉइंट में किस डिरेक्शन में लगेगा इस डिरेक्शन में ये हो जाएगा आर आर ओमेगा ओके ओके एंड अगर मैं पॉइंट पी के बारे में बोलूं, ये भी पी है वो भी है फ्रॉम द सेंटर सी, पर इधर आर क्रॉस ओमेगा किस डिरेक्शन में रहेगा इधर इस डिरेक्शन में आर ओमेगा ओके लेट से हम जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है जिस डिरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, उसको पॉजिटिव मान रहे हैं और इसको नेगेटिव मानेंगे तो हम क्या लिख पाएंगे वेलोसिटी एट इक्वल्स टू यहां कौन कौन सा वेलोसिटी लगेगा एट पॉइंट क्यू दो वेलोसिटी लगेगा कौन सा वेलोसिटी वेलोसिटी वी सीओ एम प्लस ओमेगा ओके ये एक लगेगा देन वी वेलोसिटी एट पॉइंट क्यू ये कि, किस डिरेक्शन में ये आई कैप आई कैप के डिरेक्शन में वेलोसिटी एट पॉइंट पी ये क्या हो जाएगा वी सीओ एम तरफ लग रहा होगा इधर वी एम

रोटेशनल नहीं लग सकता क्योंकि ये बी सेंटर में है ना रोटेशनल सेंटर थोड़ी ना रोटेट uh, करता है ओके okay. तो हमारा जो इक्वेशन आया ये ये और ये ओके okay. तो यहां से हमें क्या पता चलता है जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से और कौन सा कॉम्पोनेंट जुड़ रहा है आर ओमेगा वो कहाँ जुड़ रहा है वी क्यू मतलब ये सबसे बड़ा वाला बड़ा वेलोसिटी है ओके okay. तो वी क्यू इज ग्रेटर देन वी सी एंड सबसे छोटा कौन हो जाएगा वी सी एम से जो नेगेटिव में जो माइनस कर रहे हैं दैट इज वीपी तो ऐसा वाला ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं दैट इज वी क्यू इज ग्रेटर देन दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आई होप सो यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक थैंक यू